हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दोपहर 2:15 से सुनवाई। हाथरस की पीड़िता का परिवार भारी सुरक्षा में लखनऊ जा रहा है। घर से निकलते वक्त पीड़िता की भाभी का बड़ा बयान, कहा हमें नहीं मालूम 29 सितंबर की रात किसका शव जलाया गया। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज हाथरस के डीएम, यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और एडीजी समेत कई अफसरों को हाजिरी लगानी है। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल का दावा, गांव में कोई जातीय पंचायत नहीं हुई, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के पूरे इंतजाम। हाथरस केस की जांच सीबीआई ने संभाली, सीबीआई टीम बुलगड़ी गांव पहुंच चुकी है, साथ ही फोरेंसिक टीम भी 15 दिन तक गांव में ही रुककर जांच करेगी। यूपी के बुलंदशहर में 16 साल की लड़की से रेप, फैक्ट्री के सहकर्मी पर आरोप, पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा गया। बिहार के बक्सर में दिल दहलाने वाली वारदात, महिला से गैंगरेप, महिला के 5 साल के बेटे की हत्या। बक्सर गैंगरेप और मासूम की मर्डर में अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 6 आरोपी अभी फरार। बक्सर में वारदात उस वक्त हुई जब महिला बैंक से पैसे जमा कर लौट रही थी, बदमाशों ने पूरी रात गैंगरेप किया, बच्चे की हत्या कर महिला की ही साड़ी में लपेट कर नहर किनारे फेंक दिया। बक्सर की वारदात पर आरजेडी ने कहा नीतीश बाबू जनता को जवाब दें, जेडीयू बोली दोषी नहीं बचेंगे। बक्सर गैंगरेप और बच्चे के मर्डर के बाद नीतीश सरकार पर हमला तेज, कांग्रेस ने पूछा कहां है सुशासन, मायावती बोली बिहार में जंगल राज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का यूपी की योगी सरकार पर हमला, कहा जिस तरह करौली में पुजारी की हत्या के मुख्य आरोपी की फौरन गिरफ्तारी हुई, वैसी तेजी गोंडा केस में दिखाई योगी सरकार। करौली की पुजारी हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, परिवार ने कहा अब तक गहलोत सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने तक नहीं आया। राजस्थान के करौली में मारे गए पुजारी के घर बीजेपी नेताओं का पहुंचना जारी, राजस्थान के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पहुंचे। करौली की पुजारी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी कैलाश मीणा की बेटियों ने कहा पुजारी ने की आत्महत्या, खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाई, बोली उन्होंने भी पुजारी को जलाने से बचाने की कोशिश की थी। करौली की पुजारी हत्याकांड पर प्रयागराज के संत गुस्से में, कहा मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान काफी नहीं, संतों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। यूपी के गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमले के आरोप में दो हिरासत में, गोंडा के कोतवाल संदीप सिंह लाइन हाजिर। गोंडा में पुजारी पर हमले को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा, सीबीआई जांच की मांग। पुजारी पर हमले के बाद गोंडा पहुंचे अयोध्या के संत परमहन दास, कहा 24 घंटे के भीतर सभी आरोपी सलाखों के अंदर होंगे। गोंडा में पुजारी पर हमले के बाद कांग्रेस को मिला मौका, पूछा बीजेपी सरकार चुप क्यों। लद्दाख सीमा पर तनाव घटाने के लिए चीन भारत में आज 7वें दौर की बातचीत, दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स शामिल होंगे चुशुल मोर्डो में 2:12 बैठक। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों की सरकार की कोशिशों के बाद रिहाई, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के रहने वाले नागरिकों को 14 सितंबर को अगवा कर लिया गया था। आतंकियों की घुसपैठ करवाने पाकिस्तान की पुंछ और राजौरी सेक्टर में कल शाम से भारी गोलीबारी, भारत ने करारा जवाब देकर सबक सिखाया। 7 राज्यों में बीआरओ के बनाए 44 नए पुलों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण, तवांग के लिए नेचुपू सड़क सुरंग की नींव भी रखेंगे रक्षा मंत्री। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आई, भागलपुर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित का नाम कटा, रोहित पांडे को टिकट।
बिहार चुनाव के लिए बीजेपी, जेडीयू और लेफ्ट ने अपने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची दी। मोदी, शाह, योगी बीजेपी के, तो कन्हैया और डी राजा लेफ्ट के स्टार प्रचारक। सीएम नीतीश आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार अभियान, आज और कल वर्चुअल रैली, परसों से जनता के बीच चुनावी सभाएं कर वोट जुटाएंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख 28 नवंबर को, पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। कांग्रेस से आज बीजेपी में आ सकती है दक्षिण की सुपरस्टार खुशबू, सूत्रों के हवाले से खबर, कल चेन्नई से दिल्ली आने पर निकली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर कंप्यूटर बाबा एंड मंडली का बीजेपी के खिलाफ प्रचार, सिंधिया संघ बीजेपी में आए 35 विधायकों को गद्दार कहा। पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की हवा फिर खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब वाली स्टेज में पहुंचा। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में चौथे दिन भी डॉक्टरों का प्रदर्शन, हड़ताल खत्म कराने के लिए आज सुबह 10 बजे डॉक्टरों और प्रशासन के बीच बैठक। मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज पर पेपर लदे एक टेम्पो को ओवरटेक करती होंडा सिटी कार ने मारी टक्कर, कार टेम्पो दोनों पलटे, ड्राइवर को मामूली चोट। हैदराबाद में तेज रफ्तार फरारी का कहर, दो लोगों को टक्कर मारी, एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मेट्रो का कार शेड गोरेगांव की आरे कॉलोनी में कांसा मार्ग शिफ्ट करने का फैसला लिया और कॉलोनी के लोगों में खुशी है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी के नाम पर धमकी देने का आरोपी गुजरात के कच्छ जिले से गिरफ्तार, आईपीएल में धोनी के प्रदर्शन को लेकर बेटी को दी थी धमकी। बिहार के लखीसराय में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, चुनाव में डराने धमकाने के लिए बनाए जा रहे थे हथियार। यूपी के रायबरेली में फौजी की पिटाई के मामले में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद दो कांस्टेबल लाइन हाजिर, जांच के आदेश। लखनऊ के बाजार खाला इलाके की झुग्गियों में बीती रात भीषण आग, 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। लद्दाख में सैनिकों को सलामी देने के एक बच्चे की वीडियो ने देश का दिल जीता, जमकर वायरल हो रहा है नन्हे मासूम को सलूट। 15 अक्टूबर से फिर दौड़ेगी कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन हिमालयन क्वीन, कोरोना की वजह से 7 महीने से ट्रेन बंद थी। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध विराम टूटने के बाद भीषण लड़ाई जारी, दोनों देश एक दूसरे पर दाग रहे हैं खतरनाक मिसाइलें। आर्मेनिया की सेना ने बीती रात अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े गांजा समेत कई जगहों पर मिसाइल से हमले किए, 9 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में रचा इतिहास, 20वां ग्रैंड स्लैम जीतकर फेडरर की बराबरी की, फ्रेंच ओपन के फाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच को हराया। आईपीएल में कल रात मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया, जीत के साथ अंक तालिका में टॉप पर पहुंची मुंबई। राजस्थान ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया, राहुल तेवतिया और रियान पराग ने जीत दिलाई। आईपीएल में आज विराट कोहली की बैंगलोर और दिनेश कार्तिक की कोलकाता के बीच टक्कर, ये मैच शाम 7:30 बजे शारजाह में है।